एक साथ कई बार अचानक से ये खिल उठते हैं बगीचे में। इट्स अ वंडरफुल सरप्राइज इफ़ यू हैव दिस प्लांट इन द गार्डन। दिस इज टेक्सास सेज। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। खास बात है कई फूल एक साथ अनेक खिल उठते हैं, इतने प्यारे ट्विंकलिंग स्टार्स। बढ़िया हाइट है इस पौधे की और जितना ये ऊपर जाता है उतना फैलता भी है चारों तरफ से। इस पौधे को मेरे आंगन में आए हुए एक साल हो गया है। इसे मैंने खुलापन अपने दिया है, पर ख़ास बात इसकी ये है कि आप इसे बढ़िया शेप दे सकते हैं क्योंकि हाइट अच्छी है, चौड़ाई अच्छी है और ख़ास बात है जितनी आप प्रूनिंग करेंगे उतनी नई टहनियाँ निकलेंगी और उतने ही फूल। ख़ास करके इसे बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं और पॉट में अगर आप लगाते हैं तो इसे बढ़िया शेप दें और फिर देखें इसकी ब्यूटी। टेक्सास सेज ये एक रफ़ एंड टफ प्लांट है और कटिंग से आराम से लग जाता है। सर्दी की सीज़न के अलावा अन्य कोई भी ऋतु में इसे आराम से कटिंग से लगा सकते हैं और इसकी कटिंग जब हम लगाएं तो थोड़ा ध्यान रखें कि कटिंग थोड़ी मैच्योर हो तो रिज़ल्ट अच्छा रहता है। इस पौधे के पनपने के लिए वेल ड्रेन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल काफ़ी है। ज़्यादा खाद या रखरखाव की इसे ज़रूरत नहीं है। मरुस्थलीय कंडीशन, डेजर्ट कंडीशन जैसे ड्राई सेमी ड्राई कंडीशन, अधिक गर्मी या ठंडी तेज धूप सहन कर लेता है और पानी इसे लिमिटेड चाहिए। कटिंग लगाते वक्त अच्छा पानी ताकि एयर पॉकेट्स ना रहें और फिर मिट्टी सूखने पर ही पानी दें। सर्दी की सीज़न में विंटर्स में इसे पानी बहुत ही कम चाहिए। बागवानी का यही एक अद्भुत आनंद है, बीजों को अंकुरित होते हुए देखना और कटिंग्स में से नई फुटान आते हुए देखना, एक अलग ही खुशी मिलती है। खुली जगह में, छत पर, लैंडस्केपिंग में, गार्डन बॉर्डर में और तो और अगर आप बहुत व्यस्त हैं और लो मेंटेनेंस फ्लावरिंग प्लांट ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए राइट चॉइस है। एक बार बड़े गमले में ये प्लांट लगा लेते हैं तो बसंत से लेकर पतझड़ तक रह रहकर इसमें फूलों की बहार आती ही रहती है। इस पौधे का एक खूबसूरत अंदाज ये भी है कि बारिश की बौछार के बाद इसमें फूलों की बहार आ जाती है। जितनी बार बारिश होती है उसके बाद आपको इस पौधे में फूल दिखेंगे और अभी नवंबर महीने में भी काफ़ी फूल आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि आपसे ये बात ज़रूर शेयर करूं ताकि आप भी मेरी तरह आपके प्लांट कलेक्शन में ये पौधा ज़रूर रखें। एक फ्लावरिंग साइकिल के बाद आप अगर इस पौधे की हल्की ट्रिमिंग कर देते हैं, प्रूनिंग कर देते हैं, तो फिर से नई कलियां आपको दिखने लगेंगी तैयार खिलने के लिए। एक साल पहले मैं प्लांट नर्सरी से पौधा लेके आई थी। मुझे कहा गया था कि लेवेंडर का पौधा है और मैं खुश हुई कि खुशबू आई मेरे बगीचे में, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रंगीन कलरफुल सुंदर फ्लावर्स ज़रूर आए बगीचे में और इसी तरीके से हम एक्सपीरियंस से पौधों के बारे में जानते हैं, समझते हैं और वो सब बातें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मौसम बदल रहा है और बगीचे में भी अब नई गतिविधियाँ शुरू हो रही हैं, कुछ नई हलचल, कुछ नयापन और इसी में मज़ा है। मैं ये कलर टैग्स बना रही हूँ ताकि जो मेरी
पोटुलिका और पर्सलेन की फ्लावर बास्केट्स हैं, उनमें मैं कलर देख के ये टैग्स लगाऊंगी ताकि कुछ ही दिनों में ये फ्लावर्स खिलना बंद होंगे और हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से कलर के प्लांट्स हैं। इन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं, पोटुलिका और पर्सलेन के प्लांट्स को तेज़ ठंडी हवाओं से बचाना और ब्राइट लाइट में रखना, शेड में रखना, तो ये प्रिजर्व रहते हैं और मार्च में फिर से तैयार हो जाते हैं नई पौध लगाने के लिए। ये पौधे हमें तैयार मिलते हैं कलर के आइडिया के साथ। तो यही मैं काम कर रही थी तो मुझे लगा आपको भी एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं। आप भी ऐसा कुछ करते होंगे, पर कहने से अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम साथ साथ बागवानी कर रहे हैं। डूइंग टुगेदर, ग्रोइंग टुगेदर इज़ हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जाते जाते शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में मैंने सभी पौधों को वर्मी कंपोस्ट थोड़ा थोड़ा दिया था। 50 kg कंपोस्ट का बैग लाई थी 400 rupees का, और आपको चांस मिले तो आप भी अपने पौधों को अभी खाद दे सके तो ज़रूर दें ऑर्गेनिक खाद। फिर सर्दियों में तो हम थोड़ा बहुत केमिकल खाद देंगे ही फ्लावरिंग प्लांट्स को। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज माई टिप। गुड बाय, लव यू, टेक केयर।